हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सुबह सुबह निकल रहे पार्कनाथ की ओर और अभी दीपक का गाड़ी वहाँ खड़ा है, यहाँ मेरा गाड़ी खड़ा है, अभी राजेश आ रहा है, तो दीपक आता उसके बाद निकलेंगे। बारिश भी मिथम मिथम हो रहा है, तो आगे चलते हैं। रोड पे कैसा सीन रहता है, आज का मौसम भी बहुत अच्छी है, देखा जाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से आगे रोड पे। निकल रहे थे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है जिस कारण हम लोग बस के बाहर नहीं है, अभी बैठे हुए यहाँ पर राजू बैठा हुआ है और हम लोग का बाइक उधर खड़ा है एम्बुलेंस के आगे में, वहाँ पर दीपक का भी बाइक है। तो बारिश जैसे कि हम अभी ब्लॉग नहीं बना रहे तो मेरा भी ब्लॉग आ गया, लेकिन आगे तो हाथ बनाएंगे नहीं, कहते हैं बारिश भी आ रहा है तो फायदा नहीं है। जब आगे कहीं रुकेंगे जब पानी खत्म होगा वही हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। बकरी सब रोड पे बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे रोड में ये सारा बैल सब भी खड़ा है। ये लोग गौ माता डॉन होता है, डॉन रोड का जो डॉन होता है वही है लोग। अच्छा, पुनीत का डालना पड़ेगा यहाँ पर ना, अभी कॉपीराइट वाला सिस्टम बहुत खराब है। थोड़ा देर हम रुक गए थे थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए, भूख लग रहा था, हमें चावल खाए थे लेकिन पेट नहीं भरा था इसलिए थोड़ा देर रुक गए थे, समोसा वोसा खाए थे। गिरिडीह में है अभी हम लोग, गिरिडीह घाटी में। खिड़की से बाहर फूंक देना क्या, हवा नहीं चल रहा, गेट खुला ना। बहुत खराब लग रहा है, चप्पल खरीदना पड़ रहा है, बहुत ही दुखद होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत नींद आ रहा था, सुत गए।
लोग को देवघर पहुँच के सीन दिखाता है वहाँ का, आप लोग लाइन पे बने रहिएगा। इसी बात पे बोलिए जय भोलेनाथ, जय माता। तो अभी बहुत मतलब अभी हम 60-70 किलोमीटर हमारा प्लान था पारसनाथ जाने का, लेकिन अब अभी हम जा रहे हैं पहले देवघर, उधर से रिटर्न आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे पारसनाथ। तो पहले हम आपको दिखाएंगे देवघर का सीन, जैसे कि अभी सावन चल रहा है, जिसके आपको देखेंगे बहुत सारे लोग आए हुए हैं देवघर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो वहीं हम जा रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद हम आएंगे कल, या हम हमारा प्लान है वहीं स्टे करने का, उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न आएंगे, उसके बाद कल पारसनाथ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले हम वहाँ दिखाएंगे कि सावन चल रहा है, वहाँ बहुत सारे लोग घूमने हुए आए हुए हैं, और हमारे भैया बहुत ही रफ्तार में चल रहे हैं समय को देखते हुए कि टाइम नहीं है ज़्यादा। हमारा अचानक ही प्लान बन गया कि हम पहले रिटर्न आएंगे उसके उधर से, उसके बाद ही पार्क में जाएंगे, कि पहले देवघर देखिए इधर। अभी हरलाडी में हम लोग, लिखा हुआ था वहीं देखे। और मौसम पूरा ही बदल गया है, पानी उनी मार दिया हल्का बहुत। तो हम लोग नावाडीह अभी पहुंच गए हैं, और यहां से अभी और है 50-55 किलोमीटर, तो हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। आधा घंटा में पहुंच जाएंगे अगर रास्ता सही मिला तो। बहुत अच्छा क्वालिटी है, we'll be right back.
ये दोनों है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। कैसा लग रहा है? ये बहुत ज्यादा इरिटेट करता है लड़का। कैसा लग रहा है पैदल चल के? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? ये हम लोग को रांची का मेन रोड याद आ रहा है, ऐसे गली गली है हम लोग का रांची मेन रोड में। इस साइड से सभी कोई पार्वती माता के यहाँ जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। पार्वती माता के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इस साइड से भोले बाबा के यहाँ जाएंगे। ये बाबा धाम के पहले पांडा जो थे उनका यहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है। गाइस 340 रुपये में पेड़ा मिल रहा है यहाँ पर, पेड़ा ले रहे हैं। गाइस हम लोग रुके अभी खाना खाने के लिए। कौन सा जगह है? और यहाँ सब कुछ बैठा हुआ पीछे साइड। और एक उधर सो गया, नींद आ गया, विश्वजीत को सो गया। इधर मोटा है सर, सचिन है, रोहित है, हाफ पैंट में बैठा हुआ है। अभी हम लोग के लिए रोटी बन रहा है और आलू का भुजिया बुझा गया है, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। खाना खाने के बाद हम लोग निकलेंगे और ज्यादा नहीं, 37 किलोमीटर लगभग होगा। अभी का टाइम देख लीजिए, टाइम दिखाई दीजिए कितना है। 9:33 क्या बोल रहे? 9:33 9:33 9:33 हो रहा है। पारस ना जाना है।